अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजलवॉक्स। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, बुलेरो का जो आप पंप देख पा रहे हैं गाड़ी में लगा हुआ है, इसमें से फ्यूल लीकेज कर रहा है बुश के पास से। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस फ्यूल लीकेज को आप कैसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर में जो तीन नट्स लगे हुए हैं, सबसे पहले हम लोग इसे खोल लेते हैं। EGR में जो तीन नट्स लगे हुए हैं दोस्तों, अगर आपने इस पंप की टेस्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप जाके उसे भी देख सकते हो। स्टार्ट करके भी दिखा देते दोस्तों इसमें से कहां लीक कर रहा है। ये जो आप रेड मार्क देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर से लीक कर रहा है, यानी कि बूस्ट के पास से फ्यूल लीक कर रहा है। वीडियो में सही तरीके से दिख नहीं पा रहा होगा दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं इस जगह पे फ्यूल लीकेज होने की वजह से इस जगह पे जो है वो भींगा हुआ है। नट्स के खुल जाने के बाद दोस्तों EGR को निकाल लेते हैं और बाकी का जो भी है इसको भी 10 नंबर नट को ढीला करके इसे भी निकाल लेंगे। कंट्रोल लीवर को निकालने से पहले दोस्तों हमें कॉइल्ड स्प्रिंग को ऐसे निकालना होगा। ये हमारा कॉइल्ड स्प्रिंग निकल चुका है, अब हम लोग निकालेंगे कंट्रोल लीवर को। ये निकल गया दोस्तों हमारा कंट्रोल लीवर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे दोस्तों कॉइल्ड स्प्रिंग और स्प्रिंग सीट को। अब निकालेंगे दोस्तों हम लोग कवर असेंबली को। तो चारों स्क्रूज जो लगे हुए कवर असेंबली में दोस्तों, इनको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। आगे इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों ताकि मैं आपको बता सकूं कि बूस्ट को कैसे चेंज करते हैं। ये निकल गया दोस्तों हमारा कवर असेंबली और इसमें जो बूस लगा हुआ है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसको अब हम लोग चेंज करेंगे। इसी की वजह से जो है फ्यूल लीकेज कर रहा था। और ये रहा दोस्तों हमारा पार्ट लोड गवर्नर। इसमें जो ओरिंग लगता है दोस्तों, इससे भी कभी कभी ऑयल लीकेज करता है, तो इसका जो ओरिंग है दोस्तों इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, इसके बाद निकालेंगे इसके बूस को। तो बूस को दोस्तों अब हम लोग ऐसे निकालेंगे। निकल गया हमारा बूस। ये देखिए दोस्तों, ये इसी वजह से यहाँ से फ्यूल लीकेज कर रहा था, इसको अब हम लोग चेंज कर देंगे। ये रहा हमारा नया वाला बूस्ट, अब इसको हम लोग
ठोक के लगा देंगे। इसमें जो है थोड़ा सा फेविक्विक दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह से लग जाए। अब इसमें पार्ट लोड गवर्नर में लगाएंगे सबसे पहले नीचे सिम, उसके बाद लगाएंगे पार्ट लोड गवर्नर का ओरिंग। पार्ट लोड गवर्नर में ग्रीस लगा के हम लोग बूस में लगा के देख लेंगे कि अच्छे से फिट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा, ये कहीं जाम तो नहीं हो रहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग लगाते हैं पंप में। पंप में लगाने के लिए सबसे पहले आपको लगाना होगा पार्ट लोड गवर्नर को जो कि फलकम लीवर में फंसेगा। इसके बाद इसके ऊपर लगेगा कवर असेंबली। ये देखिए इसको ऐसे लगाना है, पार्ट लोड गवर्नर को बूस्ट के अंदर से डालना है, उसके बाद कवर असेंबली को लगा देना है। कवर असेंबली को लगाने के बाद जो स्क्रूज हैं इनको हम लोग टाइट कर देंगे। इसका जो रिटर्निंग पाइप है इसे भी हम लोग लगा देंगे। पाइपलाइन में जो भी एयर है दोस्तों इसको हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, उसके बाद जो रिटर्निंग बोल्ट है इसको हम लोग टाइट कर देंगे। अब हम लोग इसका जो कॉइल्ड स्प्रिंग और स्प्रिंग सीट है इसको लगा देंगे। इसका जो कंट्रोल लीवर है दोस्तों इसको भी साफ करके हम लोग लगा देंगे।
पार्ट लोड गवर्नर और कंट्रोल लीवर में दोस्तों निशान बने हुए रहते हैं, उसी के हिसाब से इसको लगाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को वो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो बेल वाला जो आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कंट्रोल लीवर को लगाने के बाद दोस्तों कॉइल स्प्रिंग को आपको ऐसे फंसाना है। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर लगेगा EGR। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बूस्ट चेंज करके दोस्तों आप इसके लीकेज को बंद कर सकते हैं।